मौसम बदलते ही ऊपरी क्षेत्रों में फल पौधों की रोपाई का कार्य तेज हो गया है। पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए नर्सरियों से पौधे उखाड़ने का क्रम भी जारी है। वहीं बागवानों को सलाह दी जा रही है कि पौधों की नर्सरियों से स्वस्थ और रोग रहित पौधे ही लगाएं। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के बाद बागवानों ने विभिन्न किस्मों के फल पौधों की रोपाई का कार्य तेज कर दिया है। ये मौसम सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, प्लम, चेरी आदि के फल पौधे लगाने के लिए उत्तम माना जाता है। जमीन में नमी के साथ तापमान उपयुक्त तो होने से रोपे गए पौधे आने वाले समय में अच्छे पनपते हैं। इस दौरान पौधे भी सुप्त अवस्था में होते हैं। बागवानी के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े बागवानों ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसी नर्सरियों से ही पौधे खरीदे जो नर्सरी रोग रहित और स्वस्थ पौधे वाली हो। लोगों का कहना है कि बारिश होने से तापमान सही हुआ है और उन्होंने अब पौधे लगाना आरंभ कर दिया है। लोगों का कहना है कि आजकल का मौसम सभी प्रकार के फल पौधे रोपने के लिए अनुकूल होता है। तो जो ये मौसम है, ये हमें पौधे लगाने के लिए बहुत सही मौसम है। तो हमने अभी आज स्टार्ट किया, अपना गड्ढा बनाना स्टार्ट किया, जिसकी हमने चौड़ाई 2.5 फीट रखनी है और गहराई 3 फीट। तो हम अभी स्टार्ट किया है। हमने ये बहुत तरह की वैरायटी है हमारे पास, हमने ये खुद ही तैयार किया है। इसमें पहले हमने पार्टी लगाया और उसके बाद उसमें कलम किया। तो ये अभी हमारे पास जैसे ये रेड चीप है और ये जरामाइन है और ये रॉयल है, इसको हमने अभी स्टार्ट किया है लगाना। तो हमने आज जितना भी लगाया अभी, ये मौसम बहुत ही सही है इसके लिए, क्योंकि मिट्टी भी बहुत गीला हो गया है और नीचे तक प्रॉपर अभी हमें सिंचाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेब, नाशपाती, प्लम, जो खुमानियाँ, ये इन पौधों को लगाने के लिए ये आजकल का मौसम बहुत सही है। हम नर्सरी की तैयारी में लगे हुए, जैसे कि हमने आजकल यहाँ बेड बनाए हुए, ऐसे बेड बनाती है ये के लिए, बीज के लिए बीज बोते हैं, फिर बोने के बाद फिर वो नर्सरी तैयार होती है, फिर वो नर्सरी डाई डूई करके फिर वो उसमें कलम करते हैं। पार्टियों में कलम वो 2-3 वैरायटियों की होती है, जैसे कि जरामाइन, रेड चीप, स्कॉलेट और ये गेल गाला और ये स्पर। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।